बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स। आज कोई भी समाज के लिए गार्बेज डिस्पोजल यानी कचरा निपटान एक बड़ी चुनौती है। ज्यादातर गीले कचरे का सही इस्तेमाल करके उससे खाद बना लिया जाता है, क्योंकि वो मिट्टी में घुल मिल सकता है। लेकिन सूखा कचरा जैसे प्लास्टिक के साथ ऐसा नहीं होता, इसीलिए उसे रिसाइकल किया जाता है, जिसमें काफी ऊर्जा और पैसा लगता है। तो फिर इस समस्या का हल क्या है? इस समस्या का हल है बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक। ये प्लास्टिक पर्यावरण में घुल मिल सकता है, इसीलिए ये उतना हानिकारक नहीं होता। ये इसलिए संभव है क्योंकि मिट्टी में के माइक्रोऑर्गेनिज्म्स यानी सूक्ष्म जीव इसे डिकम्पोज कर देते हैं। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक में नैसर्गिक पदार्थ जैसे मक्के का तेल, पेड़ पौधे, स्टार्च, संतरों के छिलका, इनका इस्तेमाल किया जाता है और हानिकारक रसायनों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। आज बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का इस्तेमाल बायोडिग्रेडेबल बर्तन